नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एक समस्या के बारे में जिसे कहते हैं थिन एंडोमेट्रियम। जी हाँ, जो यूट्रस की अंदरूनी परत होती है उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है और एंडोमेट्रियम ही वो जगह है जहाँ पर भ्रूण चिपकता है यानी इम्प्लांट होता है। और एक हेल्दी एंडोमेट्रियम बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है भ्रूण के इम्प्लांटेशन के लिए, उसके सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट और फाइनली एक नॉर्मल प्रेगनेंसी आउटकम के लिए। यदि किसी महिला का एंडोमेट्रियम बहुत पतला है, बहुत थिन है या फिर उसका ब्लड फ्लो बहुत कम है तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी आने में बहुत दिक्कत होती है। फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो भी ऐसे केसेस में एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाता और चाहे हम IVF भी करें तो भी ऐसे केसेस में सक्सेस नहीं मिल पाता है। आइए जानते हैं कि थिन एंडोमेट्रियम के क्या लक्षण होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं और इसका उपचार कैसे होता है। यदि हम लक्षणों की बात करें तो थिन एंडोमेट्रियम जिन पेशेंट्स का है आमतौर पर या तो उन्हें कोई लक्षण नहीं होते या उन्हें माहवारी में अनियमितता होती है या कभी कभी माहवारी का जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ही कम होता है। आमतौर पर सोनोग्राफी के द्वारा ही ये प्रॉब्लम डायग्नोज की जाती है। जब डॉक्टर देखते हैं कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस 7 मिलीमीटर से भी कम आ रही है, इसका पैटर्न प्रॉपर नहीं है, इसका ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है, तब वो इसे थिन एंडोमेट्रियम डायग्नोज करते हैं। आइए जानते हैं कि थिन एंडोमेट्रियम के कारण क्या होते हैं। एंडोमेट्रियम को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक मिरर होता है जो दिखाता है कि बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कितना है और एंडोमेट्रियम की हेल्थ कितनी है। यदि किसी महिला का एंडोमेट्रियम हेल्दी है परंतु बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल्स कम है तो उसका एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं करेगा। साथ ही साथ यदि किसी महिला के ईस्ट्रोजन लेवल्स अच्छे हैं परंतु एंडोमेट्रियम हेल्दी नहीं है, वो इन ईस्ट्रोजन लेवल्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा तो भी थिन एंडोमेट्रियम की समस्या आ जाती है। ईस्ट्रोजन लेवल कम होने की जो समस्या है वो उन पेशेंट्स में आती है जिनको मीनोपॉज बहुत जल्दी हो चुका है, जिनकी ओवरी से ईस्ट्रोजन नहीं निकल रहा, या फिर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें बाहर से भी हम जब ईस्ट्रोजन टैबलेट्स देते हैं तो वो यूट्रस तक अच्छी मात्रा में नहीं पहुंच पाते, लिवर में ही मेटाबोलाइज हो जाता है और एंडोमेट्रियम हेल्दी होने के बावजूद भी जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। दूसरा कारण थिन एंडोमेट्रियम का होता है यदि एंडोमेट्रियम के अंदर ही कोई इन्फेक्शंस या एडहेशंस हो। कई ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि बच्चेदानी की टीबी। बच्चेदानी की जो टीबी होती है उसमें एंडोमेट्रियम की लेयर को अफेक्ट होता है। इसमें एंड आर्टेराइटिस नाम की एक समस्या होती है। एंड आर्टेराइटिस का मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके आखिरी हिस्से जो हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे एंडोमेट्रियम को पहुँचने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ऐसे केसेस में ईस्ट्रोजन लेवल्स अच्छे हों तो भी एंडोमेट्रियम जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। कुछ केसेस में यूट्रस के अंदर कभी कोई इंजरी हुई हो, जैसे किसी महिला की यदि DNC हुई हो, डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा अंदर छूट गया हो, उसके कारण क्यूरेटाज करना पड़ गया हो, या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस के कारण ही कभी कभी यूट्रस के अंदर एडहेशंस बन जाते हैं, यानी कि यूट्रस की दोनों लेयर्स आपस में चिपक जाती हैं। इसको एशरमैन सिंड्रोम कहा जाता है और एशरमैन सिंड्रोम के भी पेशेंट्स का जब हम एंडोमेट्रियम स्टडी करते हैं तो ये ग्रो नहीं होता, उन्हें भी थिन एंडोमेट्रियम की समस्या होती है। आइए जानते हैं कि यदि किसी महिला को थिन एंडोमेट्रियम है तो उसका उपचार किस तरह से किया जाएगा। उपचार डेफिनेटली जो कारण है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। यदि यूट्रस की लेयर के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी द्वारा इसे पहले डायग्नोस किया जाता है। कई बार हम एंडोमेट्रियम का सैंपल PCR या कल्चर के लिए भी भेजते हैं जिससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि यूट्रस के अंदर कोई इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन का पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है और अधिकतर केसेस में यदि अर्ली स्टेजेस में हमने इन्फेक्शन को कैच कर लिया है तो एंडोमेट्रियम जो है वो वापस नॉर्मल डेवलप होने लग जाता है। यदि ये जो एंडोमेट्रियम है ये लो ईस्ट्रोजन लेवल्स के कारण नहीं डेवलप हो रहा तो ईस्ट्रोजन की जो टैबलेट्स होती हैं उनका कभी कभी डोज बढ़ाया जाता है। डोज बढ़ाने के बाद भी कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके लिवर में ही अधिकतर ईस्ट्रोजन मेटाबोलाइज हो जाता है, यूट्रस तक पहुँच ही नहीं पाता। ऐसे केसेस में आजकल इंडिया में भी ईस्ट्रोजन के क्रीम्स और पैचेस आ गए हैं। जो क्रीम के द्वारा हम ईस्ट्रोजन देते हैं ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है और डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स में एंडोमेट्रियम की भी ग्रोथ ईस्ट्रोजन क्रीम के बाद अच्छी हो जाती है। यदि यूट्रस के अंदर एडहेशंस बने हुए हैं तो किसी भी तरह के हार्मोन्स का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आएगा। ऐसे केसेस में हमें एडेजियोलाइसिस यानी यूट्रस के अंदर के एडहेशंस को सिजर्स के द्वारा कट करना पड़ता है। ये प्रोसेस हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा की जाती है, बेहोशी में की जाती है और इसमें कई पेशेंट्स को जो है इस ट्रीटमेंट के बाद बेनिफिट मिल जाता है। कुछ केसेस में इडियोपैथिक थिन एंडोमेट्रियम यानी कि
कारण हम डायग्नोस नहीं कर पाते, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई पहले इंजरी नहीं है, कभी डीएनसी नहीं हुई है, ईस्ट्रोजन का भी डोज जो है वो बराबर जा रहा है, फिर भी एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं करता। इसे ट्रू थिन एंडोमेट्रियम कहते हैं और इसका जो ट्रीटमेंट है ये काफ़ी चैलेंजिंग है। ऐसे केसेस में कुछ डॉक्टर्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यानी पीआरपी ट्रीटमेंट देते हैं। प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर के ही रक्त कण होते हैं, इन्हें इंजेक्शन के द्वारा यूट्रस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। कुछ केसेस में एक्सपेरिमेंटल बेसिस में स्टेम सेल थेरेपी भी ऐसे केसेस में ट्राई की गई है, परंतु स्टेम सेल थेरेपी पर अभी हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि हम इसे कंक्लूसिवली आपको बता पाएँ कि इससे बेनिफिट होगा। हाल ही में एक बहुत बड़ा शोध यूरोप से पब्लिश हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि इवन वो पेशेंट्स जिनका एंडोमेट्रियम थिन था यानी 5 to 6 millimeter भी था, उनके केसेस में भी IVF का जो सक्सेस का प्रतिशत है वो 20 to 25% मिल जाता है। तो यानी कि यदि किसी का एंडोमेट्रियम 6-6.5 mm है, उस केसेस में भी यदि कोई भी उपाय सक्सेसफुल नहीं हो रहे हों, तो ऐसा नहीं है कि इन पेशेंट्स में कभी प्रेगनेंसी नहीं आएगी। उनमें प्रेगनेंसी के चांसेस दूसरों के बजाय कम रहेंगे, परंतु 25-30% प्रेगनेंसी रेट फिर भी जो है वो ग्लोबली रिपोर्टेड है ऐसे पेशेंट्स के साथ। तो यदि आपके केस में एंडोमेट्रियम आपका थिन है, तो सबसे पहले ये इंश्योर करिए कि ये जो कारण है ये डॉक्टर रूल आउट कर लें। जो हमने ट्रीटमेंट्स आपसे डिस्कस करिए ये अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। इन सब के बाद भी एंडोमेट्रियम यदि नहीं ग्रो हो पा रहा तो पीआरपी या स्टेम सेल ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। कुछ केसेस में इवन थिन एंडोमेट्रियम के साथ भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने पर 25-30% रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। तो बिल्कुल निराश होकर ट्रीटमेंट ड्रॉप मत करिए, आपके केसेस में भी चांसेस हैं कंसीव होने के। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस विषय में यदि आप और विस्तार से जानना चाहते हैं या आपकी इससे संबंधित कोई समस्या है जिसका आप हल चाहते हो, तो आप हमें लिख भेजिए, इसका आंसर हम आपको ज़रूर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक दंपतियों तक पहुँच सके और वे इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।